राजधानी रायपुर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने राज्यपाल के खिलाफ जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में संवैधानिक रूप से भी अधिकारों का हनन हो रहा है, यहां के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। इस दौरान मीडिया से बातचीत में कुमारी सैलजा ने कहा कि आरक्षण विधेयक विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया था, लेकिन इस पर अड़चने पैदा की जा रही हैं। आरक्षण के मामले में लोगों तक सही बात पहुंचाना हमारा कर्तव्य बन गया है। उन्होंने बताया कि रैली के बाद रायपुर के राजीव भवन में मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के साथ बातचीत होगी। इसके अलावा शाम को विधायक दल की बैठक में भी विधायकों से बातचीत की जाएगी। छत्तीसगढ़ में लोगों में बहुत प्रतिक्रिया है और इस बात को लेकर आज छत्तीसगढ़ में रायपुर में एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है। आरक्षण के मामले में लोगों तक सही बात पहुंचाना हमारा कर्तव्य बन जाता है।